शहर का सबसे बड़ा बकरा बिक्री केंद्र देवनार है। बकरी ईद के लिए यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में बकरे खरीदने और बेचने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसे देखते हुए देवनार बिक्री केंद्र में अतिरिक्त 40,000 वर्ग फुट की बारिश की छत बांधी गई है। प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया है, ऐसा दावा प्रशासन ने किया है। लेकिन जब देवनार में कांग्रेस के कई नगर सेवक वहाँ दौरे के लिए पहुँचे तो लोगों ने कई शिकायतें उनके सामने रखी। 70, 75, 80 ऐसा बकरा घोंस रखा है, तो अब जगह हो हमारा राशन पानी को नहीं है, बकरान को जगह नहीं है। जब हमने ये तम्बू लगा दिया, हमू लगा दिया, ये तिरपाल हमारा घर का लगा दिया, तो ये क्या उड़ान कर रहा है साहब, निकलना पड़ना में जो ये तिरपाल तुमने अपने घर का लगा, भैया हमारे घर का लगा है, मजबूरी के जरिए है ना। एक हमारा बकरा जब गंदा संदा हो जाता है तो हम उनको निलान नहीं देता, बस ये बात है। आते हैं जी, जो हमारा गाड़ी इधर उतरता है धक्के पे, आने के बाद में जो माल इधर उतर रहा है हमारा, तो आने के बाद में जो यहाँ के माल लेकर आ रहे हैं जी, वो पैसे ले रहे हैं, खटे लेकर आ रहे हैं, तो उसके 10 रुपए ले रहे हैं जी। कौन ले रहा पैसा? पुलिस वाले ले रहे हैं जी। जी मेरी कंप्लेंट आपसे, जैसे बकरे में हमारे 110 बकरे 120 बकरे आते हैं एक गाड़ी में, तो हमारे लिए जगह की बहुत मोटी कोता है, थोड़ी जगह मिल जाए। और कमेटी मंडी हमारे लिए बहुत सहूलत करके बैठी है, बहुत सहूलत होगी नहीं, पहले तो हमारे बहुत बकरे मरते थे, अब इन तंबू से तिरपाल से जो कमेटी ने जो मंडी ने काम किया है, इतने फायदे हुए हमारे लिए जो कोई हिसाब किताब नहीं है। मैम यहाँ का जो सामान चोरी हो गया, मैं रात को चोरी हो गया, एक कटिया चोरी हो गई मेरी, शाम को 3 बजे दोपहर में 3 बजे शाम को मैं अनाज चोरी हो गया, पूरा पराठे चोरी हो गई पूरी, कुछ पुलिस का कोई ध्यान ही नहीं है, चोर लोग आते हैं सामान उठा लेके चले जाते हैं। यहाँ पर पार्किंग की दिक्कत ऐसी है कि कम से कम हमारे, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, सुपर ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है, मेरे को आसिफ शेख मेरा नाम है, तो कम से कम 1,000 गाड़ियाँ हमारे अटैच की है, हमारे ग्रुप की 1,000 गाड़ी आती है, तो 1,000 गाड़ियाँ की पावती के अलावा जैसा महानगर पालिका की पावती है वो पैसा लगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर दादागिरी गुंडागिरी करके यहाँ पर हमारे ड्राइवरों से पैसा वसूला जाता है, तकरीबन 1,000 रुपये ज़्यादा लिया जाता है पावती से, 1,000-1,500, और साफ सफाई वाले भी जो है बहुत ज़्यादा दादागिरी करके पैसा वैसा लेते हैं, और ये जो है पार्किंग का सबसे ज़्यादा दिक्कत है। 60 रुपये महानगर पालिका का जो है रेट है और पावती का, यहाँ तकरीबन गाड़ी वालों से जो है 1,000-1,500 जैसा, मतलब उनको दबा सके, जैसा ये लोग दबा सके वैसा इन लोग जो है गाड़ी वालों को दबा के धमका के पैसा लेते हैं। और बेचारे ड्राइवर जो है मतलब कि वो मध्य प्रदेश से आते हैं, यूपी से आते हैं, वो परदेसी होते हैं, गुजरात से आते हैं, तो ड्राइवर लोग जो है डरते हैं, ड्राइवर लोग जो है डरते हैं, वो बेचारे डर के मारे उनको पैसा देना पड़ता है, और फिर वो जाके फिर उनके धनी को बोलते हैं गुजरात मध्य प्रदेश और जाके, तो फिर वो धनी लोगों को फिर उनको पैसा देना पड़ता है, ऐसा है। बीएमसी के पार्किंग से लेकर पुलिस वालों की पैसा वसूली और बकरों से लेकर इंसानों को रहने और चलने की रास्ते की अवस्था को लेकर अधिकारियों तक इस मामले को लेकर जाने के बाद कांग्रेस के कुरला के नगर सेवक अशरफ आजमी, धारावी के नगर सेवक बब्बू खान और वडाला के नगर सेवक सुफियान वधु ने किया है। इस मौके पर उनके साथ कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ये हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी का एक मुस्लिम नगर सेवकों का एक डेलीगेशन, हम सब लोग आए थे यहाँ पर, और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुंबई शहर में आने वाले वो तमाम लोग जो बाहर से आते हैं, व्यापारी हैं और ये ट्रक्स हैं, ये सारे लोगों को वो जो हमने नॉर्म्स और रेट्स रखा है उसी के ऊपर उनके साथ ट्रीट किया जाए, ऐसा हमारा निवेदन था। और अंदर के जो हालात हैं जानवरों को रखने के लिए, बकरों को रखने के लिए जो इंतजाम होते हैं या जो तैयारियाँ होती हैं वो कैसी हुई है हम देखने के लिए आए थे। लेकिन ये जो एक ऐसा ये जो चेहरा है जिसको काला चेहरा बोलेंगे हम लोग, कि हर साल हम जबरन अपने आने वाले बाहर के लोगों की जेब में हाथ डालकर उनसे पैसा छीनने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये मामले को लेकर इस बार हम लोग बहुत सीरियस हैं, और सोमवार के दिन हम लोग ये सारे लोग जो आए हैं वो एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, और उनको जो जानकारी हमको मिली है और आपने जो सुना है, आपने भी देखा है, तो उसको हम वहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे, और उनको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो धांधली होती है उसको कैसे रोका जाए और इनको किस तरह से टर्मिनेट करके पेनल्टी लगाई जाए, इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। अंदर का जो इंतज़ाम है वो भी जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे मिले। तंबुओं में कई जगह से पानी आ रहे हैं, लोग जो है बकरों की जाली लगाते हैं उसके लिए सिक्योरिटी जो है पैसा ले रहे हैं, इस तरह की धांधली जो चल रही है उसको रोकने का काम करेंगे। हमने रोका है कुछ सालों में, जो बेहतर हुआ ठीक है, और भी जो बचा हुआ हम रोकेंगे। आज हम लोग पूरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत से कार्यकर्ता भी कांग्रेस के,
हमारा जो मकसद है वो आपके सामने रखा है और मुझे उम्मीद है कि दो दिन में इसका नतीजा भी हम निकाल के देंगे। यहाँ पर दो तरीके का चोरी किया जा रहा है, एक तो पार्किंग के नाम पे हजारों रुपया वसूला जाता है, दूसरा गाड़ी सफाई के नाम पे। हाँ। गाड़ी साफ करने का 260 रुपया लीगल महानगर पालिका ने उसको रखा है, लेकिन ये लोग सिर्फ गाड़ी सफाई करने के लिए 1000-1500 रुपया लेते हैं। और दूसरा एक विषय है यहाँ पार्किंग का, तो पार्किंग के नाम से भी ये लोग 1000-1500 रुपया अलग से लेते हैं। तो एक एक गाड़ी से 2-2, 3-3 हज़ार रुपया ये गलत दादागिरी करके यहाँ वसूला जा रहा है। ये महानगर पालिका के साथ में एक इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है। हम लोग महानगर पालिका के ट्रस्टी होने के नाते यहाँ पर हम लोग आए हैं और हम इसका पूरा मायना कर रहे हैं। हमारे अशरफ भाई सीनियर लीडर हैं, पहले से उनको पूरी जानकारी थी। सुफियान भाई हैं हमारे, सुफियान बनू साहब, ये भी नगर सेवक है। हम लोग लास्ट टाइम भी यहाँ पर आके विजिट किए थे, जो हम लोग ने जो पौती पकड़ा था, इन लोग ने पर्सनली अपनी खुद की पौती, जबकि वो महानगर पालिका की नहीं थी, पर्सनली पौती छपा के लोगों को दे रहे थे अशरफ भाई। और ये एक बहुत बड़ा विषय है, ऐसा जो लोग बाहर से आते हैं, मुंबई शहर को मुंबई शहर समझ के आते हैं, तो इस शहर में आने के बाद में उनको मुंबई जैसा नहीं बल्कि एक चोरों का एक यहाँ गांव में आ जाते हैं। इस तरीके का माहौल पैदा हो जाता है, लोग दहशत में हैं, यहाँ आने वाले गाड़ी पे ड्राइवर और व्यापारी दहशत में हैं। हम लोग इस तरीके की मांग करने वाले हैं कि जो भी व्यापारी बम्बई में आते हैं उन लोगों को हर तरीके से उनको इंतज़ाम किए जाएँ, अच्छे इंतज़ाम किए जाएँ, ताकि उनके साथ कोई चोरी का वाकया, छीना झपटी का वाकया ना हो। की बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देवनार एक रिलीजियस स्थल था, कि यहाँ पर ईद की कुर्बानी के ताल्लुक से कई सालों से, यानी आज़ादी के बाद से ये मंडी, उसके पहले से मंडी लगती है, यहाँ पे जानवर आते हैं ईद के वक्त में, और ईद में यहाँ पर एक रिलीजियस फरीज़ा जो होता है वो अदा किया जाता है। लेकिन इससे परे हटकर अब इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। ये सिर्फ इशू पार्किंग का नहीं है, ये सिर्फ इशू गाड़ी धोने का नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट से लेकर आप यकीन करेंगे, मैं सिर्फ एक मुद्दा उठाता हूँ, एक सवाल। हर साल महानगर पालिका 5 करोड़ रुपए की तरतूद करती है देवनार में शेड लगाने के लिए, एक साल का 5 करोड़। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हर साल 10 साल से शेड बन रहा है, यानी तकरीबन इसके ऊपर कितना 50 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। अगर आप परमानेंट शेड लगाते हो हाँ, तो 5 से 6 करोड़ 8 करोड़ में आपको परमानेंट शेड मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हर साल हमको मलाई मिलनी चाहिए, हर साल हमारे को पैसा टेंडर निकलेगा तो बटेगा तो मिलेगा, ये वाले षड्यंत्र में ये भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार खड़ा हुआ है। शेड के, यानी शेड से लेके जितने माइक्रो का शेड लगाना चाहिए उतना का शेड लगाया नहीं गया है। वर्क ऑर्डर में लिखा है अपना डामरीकरण का रोड होना चाहिए, मामूली सा खरी डाल के रोड बना दिया गया है। कितनी गंदगी, कीचड़ और किस तरीके की सुविधाएं, उसके ऊपर से सिक्योरिटी ऑफिसर की दादागिरी, छोटी छोटी चीज़ के लिए 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया मांगना। यहाँ पर गाड़ी धोने का 260 के बजाय 1200, ये तो अभी स्टार्ट है, 1000-1200 मांग रहे। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा 2000-3000 एक एक गाड़ी का मांगा जाता है पार्किंग का। यानी देवनार पूरा के पूरा कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।